पिशावर है, पिशावरी चक्री ना ले तो पिशावर आने का मजा नहीं आता यार। यहाँ की स्पेशलिटी है भाई, बहुत जबरदस्त जबरदस्त कलर है भाई यहाँ पे, वैरायटी वैरायटी सात चप्पल स्टोर। ब्लैक कलर सबसे बेस्ट कलर, पहनते हो या पिक करके ले जाते हो? दिखा दे जरा, चेक करें आप, सिलाई चेक करें यार। जबरदस्त चप्पल है। क्या नाम है आपका? फरमानुल्लाह सर। फरमानुल्लाह सात चप्पल। क्या नाम है जगह का? जी पे इसका नाम है जंगीरपुरा। जंगीरपुरा में बस ठीक है, आप भी कर लेना, बेहतरीन चप्पल है भाई शावर की। और यहाँ आके चप्पल ना लें तो मजा नहीं आता। देखो ये हैंडमेड सिलाई है, ठीक है, और इस पे जो है ना अंदर भी सिलाई हुए हैं, ये देखो अंदर भी सिलाई हुए हैं, कील भी लगे हुए हैं, मजबूती से बनी हुई है। अच्छा, इंशाल्लाह साल में अगर सिलाई भी उगड़ गई तो जिम्मेदार है। सही सही सही। सो फाइनली लास्ट लंच ऑफ पिशावर। फाइनली पहले हो रहा था लेकिन नहीं हो सका, दो दिन और एक्सटेंड हो गए थे, लेकिन आज हम लोग लंच करके निकल रहे हैं पिशावर से वापिस कराची। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, ये बड़ी स्पेशल यहाँ का चुमर सलाद है, और ये स्पेशल कबाब कढ़ाई। तो बस अभी खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से कराची के लिए। फाइनल इख्तिताम, मम्मी भाई अल्लाह हाफिज। मुलाकात होगी नहीं भाई, बात बहुत बुरी लगी, हम माफ नहीं करेंगे। ओके बेटा, ये बताएं आप कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह रोजों में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। कोई बात बुरी लगी हो तो दिल में रख लेना, सही है ना, चार पांच रोटी ज्यादा खाना सही है। लेकिन मुझे बहुत पता है तुमने फोर व्हीलर तो लेके गया ना, कमी ना। मैं नहीं लेके गया, तू लेके गया, तू लेके गया था मेरे को फोर व्हीलर। चलो मेरे भाई बहुत शुक्रिया, निशान लगा दोगे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वाकई में यार मैं आता हूँ तो मौसम इतना खराब हो जाता है धूप, और जब जाता हूँ तो बादल आ गए, ये देख रहे हैं आप लोग, अब बारिश होगी यहाँ से। चलो अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। ओके मेरे भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तीसरी दफा दोबारा मिल रहा हूँ आपसे। अल्लाह पैसे से दे दो यार, अभी दे रहा हूँ रस्ते के लिए। मीटर देख रहे हैं, मीटर के पैसे दे के फुल टाइम हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है दिल में, पता नहीं क्या दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआओं में याद। थैंक यू थैंक यू, आपको भी थैंक यू। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज बड़ा अल्लाह हाफिज। बड़ा भारी हो जाता दिल इस टाइम पर यार, जब सबको छोड़ के जाते हैं। चलें जी अभी आगे मिलके मिलते हैं। सो फाइनली अब्टाबाद के करीब पहुंच गए, और अब्टाबाद का रोड आते ही ना क्या खूबसूरत पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ग्रीनरी है और क्या खूबसूरत पहाड़ आ रहे हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है। ये मोटर वे पर ड्राइव करने का ना जो मजा है ना यार, अब सक्कर तक मोटर वे पर है तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। सक्कर के बाद दोबारा वो नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा जो कि बहुत ही खड्डे हैं वहाँ पर, बड़ा खराब रोड है। ट्रैक चेक करें माशाल्लाह, और सामने पहाड़ देखें यार। 15 दिन का हमारा टूर था, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रूटफुल शॉर्ट ट्रिप रहा है, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। फिर यहाँ पढ़ेंगे मगरिब की नमाज, 10 मिनट का हमारा एक ब्रेक है जिसमें नमाज पढ़ेंगे। मैकडोनल्ड खुलने के बाद रश देखें आप इस ट्रैक पे, जब मैकडोनल्ड खुला है तो इस पे रश देखें आप, गाड़ियों की कितनी लाइन है। चलो भाई यहाँ रुकते हैं, बहुत रश है भाई यहाँ पर। ये सामने वॉशरूम्स रेस्ट एरिया ये भी बन रहे हैं अभी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है। नमाज पढ़िए यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा पहले यहाँ पर जो है ना मैकडोनल्ड नहीं था, सिंपल सा नॉर्मल सा एक आम होता आम था, ये छोटा सा रेस्टोरेंट था और छोटा वोटा था, अब काफ़ी बड़ा कर दिया है, दोनों तरफ मैकडोनल्ड खुल गए हैं। अब्दाबाद से आप टूवर्ड जा रहे हो इस्लामाबाद, तो थैंक यू। अब हम आ गए हैं इस्लामाबाद मोटरवे, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे, बहुत ही खुला रोड होता है भाई यार, ड्राइव करने का मज़ा ही आ जाता है। पूरी रात हमारी मोटरवे पे गुजरेगी, बीच में खाने के लिए उतरेंगे या तो फैसलाबाद या मुल्तान, सात एंडिंग है वो लेफ्ट हैंड में मुड़ जाएंगे और हम सीधे जाएंगे। पिशावर इस्लामाबाद का टूर क्रॉस किया है, वहाँ पर क्लियर किया है, अब नई पर्ची लेंगे हम यहाँ से, और ये नया इंटरचेंज आ गया एम टेक वाले लेफ्ट साइड पे और कैश वाले राइट साइड पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, वेलकम टू मोटर मैन। थैंक यू सर। चक्री पे रुके हैं, चक्री इंटरचेंज पे मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, और कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ जमात हो रही थी, जमात के साथ पढ़ लेते हैं। ये है बेरा का कयामताम स्टॉप, मैकडोनल्ड हार्डीज टंकी डोनट, अरे रेस्टोरेंट बड़ा रश चल रहा है भाई, लेकिन हम जा रहे हैं सिंपली सूफी, पाकिस्तानी ब्रांड मुझसे बढ़कर बड़े अच्छे होते हैं भाई। कराची जाते हुए भी सिंपली सूफी की ब्रांच खुल गई है भाई, पहले तो सामने थी उस तरफ सावा जाते हुए, अब इनका यहाँ पर भी सिंपली सूफी का खुल गया है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? यहाँ भी बड़ा रश हो रहा है भाई, एक दिन ये कर लेते हैं, एक दिन वाली कर लेते हैं यार। कोई ऑर्डर लेगा?
सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, एक दिलगिरी कर दें और एक वो कर दें। हाँ दोनों में कोला कर दें। एक आधारी डील है हमारी और एक चपली डील है। इनके पास कोक खत्म हो गई थी तो इन्होंने मैं स्प्राइट से इनकी कोको कोला और इनकी जो सूफी लेमन, इनके अपना ब्रांड होता है, लेकिन अभी इनके पास जो ना ब्लैक कलर नहीं थी तो उन्होंने बदले में स्प्राइट दे दी। भाई चार कैन स्प्राइट भी दे दी। अरे बात है यार, उसी प्राइस में। हाँ बस खा लिया जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। बस एक ये दे देगा, एक ये वाला नूडल दे देगा। अब जब आए हैं तो कुछ मीठा भी हो जाए यार। हो गए डोनाट आपके? भाई HBL के कार्ड है, मुझे 40% डिस्काउंट मिल गया यार, बेहतरीन। यानी 1000 रुपये के मैं डोनाट लूँगा, 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, 400 का डिस्काउंट। ये हमारी मुन्नी हो गई 2 मंथ्स की, तो 2 मंथ की सेलिब्रेशन हो रही है भाई यहाँ पर डंकिन डोनट्स में। गोजरा में उतरे हैं भाई, कितना टैक्स लगा भाई? 880 रुपये गोजरा के अंदर लग गया, 880 रुपये का टैक्स। बहुत सब जो है ना इस वक्त तलब हो रही है चाय की, तो चाय के लिए उतरे हैं गोजरा में। अल्लाह करे कोई अच्छी चाय मिल जाए और साथ में कुछ खा पी भी लेंगे, थोड़ा हाथ पैर सीधा भी कर लेते हैं, चरपाई पे लेट भी जाते हैं। और साथ में क्या है भाई, कैसे हो? ठीक हो? थोड़ा सालन भी गर्म कर दे लड़के। पलंग चेक करो यार, 2 के बराबर 1 पलंग है भाई ये, और ये 1 सिंगल पलंग, ये 2 पलंग। वो सामने इंटरचेंज है, तो पीछे वाले से हम लोग आए थे, वहाँ से आए, वहाँ पर एक होटल था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, वो तो बंदा आया कहता है वो होटल सही नहीं, ये कुछ बेहतर है, तो यहाँ आगे आ जाओ। तो हम आगे आए और यहाँ पर अपना ही सालन गर्म करवा रहे हैं और साथ में इनकी रोटियाँ। चाय बड़े मज़े की यार यहाँ की यार। वाह यार, गोजरा की चाय, चीनी मत डलवाइएगा, बस खाली बगैर चीनी के बनवा के ऊपर से चीनी डाल देगा। ये लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं। फजर का टाइम हो गया और नमाज रुके हैं यहाँ पर, मैं थोड़ी देर सो गया था और अरीब ने गाड़ी चलाई थी। और ये देखें आप, हमारी बेटी जो है ना सीट पे सो गई है, मैं वजू करने गया था। बहुत ज़बरदस्त सुबह, फजर का टाइम, नमाज़ पढ़ ली है, पीछे जो मेरे मस्जिद है वहाँ पर, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है अभी थोड़ी देर से ठंडा होने के लिए, जो कंटिन्यू चल रही है मुस्तकिल पेशावर से। और हम लोग अभी सक्कर के करीब हैं, आई थिंक 7 का बाद के पास हैं। मैं मैप लगाता हूँ अभी, क्योंकि मैं सो रहा था पिछले 3 घंटे से और अभी ड्राइविंग कर रहा था। बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा कैम होता है यहाँ पर। सो फाइनली आ गए, रुक रहा था सक्कर से उतरते ही पैदल पे रुके हैं भाई, बैदल साई रेस्टोरेंट सक्कर के साथ ही है, टुलप्लाजा के साथ। क्या हाल है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, पराठे बन रहे हैं? ये बताएं कि वो मलाई शलाई है? मलाई नहीं है, हमने पराठा है, छोला है, दाल माछी, दाल में होंगे, दाल चना है, चिकन बिरयानी है। अरे तो चिकन बिरयानी नाश्ते में खाएंगे यार? नाश्ते में तो पराठे मलाई शलाई चलती है। मलाई नहीं है इसके पास, जो सारा ना है कीमा कढ़ाई वो गर्म करवाते हैं और पराठे लेते हैं। ये इनका फैमिली हॉल है भाई, एसी वाला फैमिली हॉल, एसी लगा हुआ है, ठंडा कोरी अंदर गर्मी में अपना रेस्टोरेंट है। बनाए तो लाए थे बेहतरीन किस्म का कीमा, साथ में करूँगा पराठे, बेहतरीन किस्म की चाय भी आ गई यार, क्या जबरदस्त जा बना भाई, सिंध और सिंध की चाय लाजवाब। हम तो जा रहे थे यहाँ से घर की तरफ, सक्कर से ड्राइव कर रहा था मैं, लेकिन लेडीज साथ हो तो फिर क्या करें यार, शॉपिंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही पैसे लगाओ जो को देख के और आएंगे। सक्कर पर है ये बैदल साई रेस्टोरेंट के सामने, बिल्कुल जब आप मोटरवे चढ़ते हैं ना उस वक्त शॉप से, तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, जैसे हॉटपॉट है बड़े जबरदस्त इनके ट्रेडिशनल स्टाइल में, और साथ में ये शॉल्स वगैरह, लेकिन हमारी फैमिली को पसंद आ रहा है, इनमें से कोई देखते हैं क्या लेना है, क्या लेना है बेगम? ले लिया, अच्छा लग रहा है, हैंडमेड है ये, जबरदस्त हैंडमेड बनाया हुआ भाई, कलरफुल। और ये बार्गेनिंग के बाद हमने ले लिया 800 रुपये के 2, 400 रुपये का, अच्छा ले लिया, दोनों अच्छे, दोनों अच्छे। सिंधी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान नवाज वो है ना, हम सिंध में रहने वाले से बड़े मेहमान मेहमान नवाज होते हैं ना, जरा एक सिंधी टोपी जरा दिखा, जरा अच्छी सी कोई भाई को गिफ्ट कर दे, पहन के देखो, पहन के देखूँ, गिफ्ट करेगा तो पहन के देखूंगा ना। यार सिंधी टोपी मुझे अच्छी लगती नहीं है, सिंधी टोपी मुझे अच्छी लगती नहीं शुरू से। सक्कर से निकल गए हम लोग टूवर्ड्स हैदराबाद, हैदराबाद में थोड़ी देर का स्टे है हमारा। भाई से मैंने कहा यार धोखे दे दो, तो भाई धोखे ला रहे हैं यार, माशाल्लाह यार। सिंध के रास्ते पे चकोतरों का शरबत, इनके जूस, शरबत नहीं जूस, चकोतरों का जूस, ताज़े ताज़े चकोतरों का जूस सेहत के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी वालदा बड़ी पीती थी माशाल्लाह। आओ यार इस गर्मी में चकोतरों का जूस, ग्रेपफ्रूट, हाँ ग्रेपफ्रूट,
ग्रेपफ्रूट। हाँ वाओ ग्रेपफ्रूट है, क्या बात है लड़के। कहाँ से लाते हो ये? ये हम कंडियारो मंडी से। कंडियारो की मंडी से लाते हो? हाँ, ये बागात से आते हैं। अच्छा बागात से आते हैं। ये सीन की पैदावार है? हाँ। अभी सीजन चल रहा है इसका? अभी सीजन है इसका। बर्फ डाली है ना अंदर? हाँ हाँ, नॉर्मल डाली है, जैसा बोलोगे ठंडा करके पूरा। बस ठंडा करके दो यार, बेहतरीन ठंडा करके दो, मजा आ जाए। इनमें गर्मी बहुत है भाई यहाँ पर भी। भाई बड़ा बेहतरीन ठंडा मीठा, बहुत फ्रेश, बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी, वाह मज़ा आ गया। सबसे बेहतरीन चाय है पूरे सफ़र में अगर होना तो है सिंधी चाय, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन यार। और वो भी ट्रक अड्डे की चाय। अच्छा, किसी बस स्टॉप की चाय नहीं, ट्रक के अड्डों पे आप खड़े होकर ढाबों पे चाय पिए, आपको मज़ा आ जाएगा, बेहतरीन नींद उड़ जाएगी। तुम्हारे चाय इतने ही मज़े की है ना, कहते हो दूसरों का मंगाए, ये कि तुम्हारी तरह से गिफ्ट हो गया ये, कोई मसला नहीं। कोई फुल भर के लाया यार चाय यार, एक तो लकड़ी में बनाते हैं और दूसरी बात ये है कि अपनी किस तरह बनाते हैं कि इतनी मज़े की चाय होती है यार। सो फाइनली हैदराबाद पहुँच गए हैं आफ्टर सुपर चार्ज चाय के बाद, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर हैदराबाद चल रहा है, बस थोड़ी देर में हम सिटी में दाखिल होंगे। और ये हम इंटर हो गए हैदराबाद गैरिजन में। वेलकम टू हैदराबाद। हैदराबाद बहुत कंजेस्टेड शहर है भाई, जहाँ हम आए हुए यहाँ पर छुट्टी गिट्टी के नाम से जगह है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग पक्का किले के पास। और ये रक्षे में बैठे हुए सारे बाजार ही आपको बाजार ही बाजार मिलेगा, और तंग गलियाँ में मशहूर है ये, बहुत कंजेस्टेड और बहुत घिजा भिजा रास्ता है, चारों तरफ बाजार ही बाजार है, कपड़ा मार्केट, हैदराबाद के मशहूर अकरम का पुलाव, और साथ में ये वाले घर के सादे चावल, और बेहतरीन किस्म का ये अचार गोश्त, वाओ मजा आ जाएगा स्पेशल सैलेड के साथ। शुरुआत करें, बहुत सब भूख लग रही है। आपको गलियां दिखाते हैं हैदराबाद की, पतली पतली गलियां, अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, और यहाँ से उतर रहे हैं टूवर्ड्स अपनी गाड़ी के पास। हैदराबाद और हैदराबाद का बाजार, हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से टूवर्ड्स कराची। मेरा होलिया सही हो गया क्योंकि मैंने यहाँ बाल बाल कटवा लिया। सो फाइनली कराची पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पहला स्टॉप किया है जिवनी पे, जाम कर रहे हैं अपना फर्स्ट डिनर, और अभी बस रोल मंगाए और पिज़्ज़ा आ रहा है, यहाँ से खा पी के जाएंगे घर, थक गए हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव के बाद, और इस वक्त बज रहा है रात का एक, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच गए हैं। बस अब जो है थोड़ी देर में बस खा पी के निकलेंगे घर, और बस ये और ब्लॉग करते हैं अपना एंड। बेहतरीन ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया, बाकी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।